क्या आप जानते हैं, अगर जापान मदद नहीं करता तो मुंबई में बना हुआ भारत का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज कभी बन ही नहीं पाता। इस ब्रिज पर गाड़ी ले जाने पर आपके अकाउंट से 250 रुपए तुरंत कट जाएंगे। वहीं अगर आप इस ब्रिज पर दोबारा वापस आते हो तो आपको 375 रुपए भरने होंगे। और तो अगर पूरे साल भर आप इस पर सफर करते हो तो 1.5 लाख रुपए देने होंगे। तो आखिर समुद्र पर बना हुआ ये पुल इतना महंगा क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस एडवांस समुद्री ब्रिज की लंबाई 21 किलोमीटर है। इस ब्रिज को बनाने में 17,840 करोड़ रुपए का खर्चा है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की मदद तो अकेले जापान ने की है। इसके अलावा भारत की टाटा कंपनी ने भी इस पर काम किया है। इस ब्रिज को बनाने का खर्च महंगा होने के कारण ही लोगों से इतना ज्यादा टोल टैक्स लिया जा रहा है, क्योंकि जापान से लिए गए कर्ज को भी धीरे धीरे लौटाना पड़ेगा।